नमस्कार नमस्ते सभी को, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे न्यू ब्लॉग पर आप लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान ऑर्डर किया था, पता नहीं कैसा है, तो मैं सोच रही थी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखती हूँ अनबॉक्सिंग करके सामान मैंने जैसे मंगाया वो सा आया कि नहीं आया। चलिए तो अनबॉक्सिंग करके तो मेरी वीडियो भी बनी रहिएगा। तो ये फ्लिपकार्ट से मैंने ये टी शर्ट मंगाया था, पता नहीं खोल के देखती हूँ जैसा मंगाया वो सा आया कि नहीं आया। अगर अच्छा नहीं आया तो ना दोस्तों, मेरे हस्बैंड ना मुझे ऊपर पहुँचा देगा, क्योंकि तो वो कहते हैं कि ऑनलाइन से शॉपिंग नहीं करना चाहिए बोलते। तो वाह, ये तो पूरा प्योर कॉटन है, एक्सेल। मैं इतनी मोटी हो गई हूँ ना, मैंने एक्सेल साइज मंगाया है। ये अभी गर्मी के मौसम में कपड़ा कॉटन इतने अच्छे कपड़ा, ये तो बहुत अच्छी है। बाद में पहन के दिखाऊंगी आपको। क्या दो बेटा, तो ये है आपका नेक्स्ट। ये इसके अंदर में क्या है, चलिए खोल खोल के देखती हूँ दोस्तों क्या है। आप लोग भी देख लीजिए साथ में, मैंने भी अभी तक नहीं देखा है। आया और एक कार्टून है, मेरा अनबॉक्सिंग इतना गंदा वाला अनबॉक्सिंग, इतना गंदा से अनबॉक्सिंग कर दिया। ब्रेड ये भगवान ब्रेड फूड मंगाएगा, मत करो ना बेटा, इतना आवाज़ आ रहा है। चलो यहाँ से इतना आवाज़ आपको फोन का सीजन लेके आ सकते ना, कोई बात नहीं, मैं कैसे भी करके खोली दूँगी। फ्लावर है ये, मैंने और भी मंगवाया था सामान, अभी तक आया नहीं है। मैं सोचा तो सब साथ में अनबॉक्सिंग करूँगी। वाह, ये तो जैसे मंगाया वैसे आया, देखो रेडी कितना सुंदर है क्वालिटी, और छोटा साइज आया है। इतना सुंदर है, देखो ना सिर्फ 5 पीस है। और अभी इसका अनबॉक्सिंग करते हो, अगर ये सामान तो अच्छे से नहीं आया ना तो इसको रिटर्न करने में प्रॉब्लम होगा मुझे। ये मेरा सबसे महंगा वाला सामान है, हम हलावत करो ना, ये कैसा होगा रे, अच्छा हो रे। मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है ये, खोल दिया आगे मुझे सीधे से खोलने से इतना टाइम नहीं लग रहा था। वाओ, ये 3 पीस है, छोटा ये बड़ा, सबसे बड़ा ये फर्स्ट सेकंड, सबसे छोटा प्यारा है। और फिलहाल प्लस मेरे घर को भी इग्नोर करा, थोड़ा गंदा है अभी तक मैंने साफ नहीं किया, तो मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ रखूँगी। अभी आप लोग देखते जाइएगा, शौक तो बहुत है घर अच्छे से सजा के रखने का, मगर मेरा बेटी जो है मेरा घर को जो है बिखरा देते हैं, उसको सजा के रखने देता ही नहीं। चलो मैं इसके अंदर जो है अभी फूल डाल के देखती हूँ, प्लांट को मत करो ना, अभी से शुरू हो गया इसका। तो मैं अभी फूल लेके आती हूँ, आप लोग मुझे बने रहिए मेरे वीडियो पे। ऐसे डाल मम्मी ज़्यादा ये खुशी
आया देखिए प्लीज गिरा मत देना ठीक है, आया तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। ये देखो ना नानू ने क्या कर दिया, चलो लिपस्टिक लगा दी। और ये यहाँ पे घुसेगा कि नहीं घुसेगा? घुस गए रे बाबा, मैं तो बच गई रे बाबा। वाह कितना खुशी लग रहा है। और इसमें ही बहुत सारा प्लान नानू सुंदर लग रही है। बाद में अच्छी तरह से सेटिंग कर लूंगी। आगे के लिए इसको ऐसा रखते हैं, इसको थोड़ा ऐसे रखते हैं, अच्छी तरह से घर लोग पूरा साफ कर लेंगे सब अच्छी लगेगी। अब तो मेरे घर दिखे हुए ना, इसको थोड़ा ऐसे रख देती हूँ। वाह कितना खुशी लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है। दोस्तों देख सकते हो ये कपड़े का क्वालिटी बहुत अच्छा है, सच में भी मुझे बहुत अच्छा लगा। गर्मी के दिन में ऐसा कॉटन का कपड़ा पहनने में अच्छा लगता है ना, तो मैंने नहीं धुला के आप लोगों को दिखाने के लिए ट्राई किया है। तो चलो अच्छा लगा मुझे। आज मैंने फ्लिपकार्ट से जितने भी सामान मंगाया तो आज का सामान बहुत अच्छा आया है। तो आप लोगों को भी कैसा लगा तो आप लोग भी मंगा सकते हो फ्लिपकार्ट से, ये फुल पॉट ये स्ट्रिंग वगैरह तो मुझे बहुत अच्छा लगा सच में। मैंने तो फ्लिपकार्ट से तो कपड़े नहीं मंगाया, अच्छा आया तो नेक्स्ट टाइम भी मंगाऊंगी मैं। चलिए तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ और भी डेकोरेशन कर। यहाँ में सफाई चल रहा है, सफाई देख सकते हो, अपना बेडरूम को सफाई कर रहा है। कैसा लग रहा है सफाई करके? मजा मस्त। अपना अपना रूम खुद तो साफ करना पड़ेगा। नानू आप क्या कर रहे हो? ये बाप बेटा का बेडरूम है, देख सकते हो कितना गंदा रहता है दोनों बदनाम कर रहे हम। और यहाँ पे देख सकते हो बाप बेटी का फोटो लगा हुआ है क्या हुआ? ठीक है साफ कीजिए साफ कीजिए। बेटी क्या कर रहे हैं? बेटी भी हेल्प कर रहा है क्या आपका? अरे वाह कितना मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता देख सकते हो। यहाँ मैं अपना गोदरेज में भी आप मेरा फोटो चिपका के रखा है बहुत प्यार करते रहे बहुत प्यार करते है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देख सकते हो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो इसको बाद में सेटिंग करूँगी, बस अभी आप लोगों को दिखाने के लिए ही मैंने ऐसे ही प्लान डाल दिया इसके अंदर में। चलिए अच्छा आया है, मुझे लगा था कि ये रिटर्न करना पड़ेगा, चलिए रिटर्न तो करना नहीं पड़ेगा। चलो मुझे फ्लिपकार्ट ने बहुत अच्छा सामान दे दिया। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। तो मेरी वीडियो पे बने रहने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो मेरा हमेशा वीडियो आते हैं 8:45 PM को। तो बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।